राधे राधे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह सुबह का प्रणाम। सुबह के बज गए हैं 5 और मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद डेली मैं हथेली दर्शन करती हूँ। हथेली दर्शन करने के बाद श्याम जी को नमस्कार करने के बाद धरती माँ को नमस्कार करती हूँ। फिर उठती हूँ और मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ। पानी गर्म कर रही हूँ। डेली मैं पानी गर्म पीती हूँ सुबह सुबह। और मटर रखा हुआ था तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैंने सोचा जब तक पानी गर्म हो रहा है मटर ही छील लेते हैं और जल्दी पानी गर्म हो जाए पी लेते हैं, क्योंकि आज मैं तो सही टाइम पे उठ गई हूँ लेकिन अंकल को आज लेट हो गया है तो उनको 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो सोच रहे हैं जब तक 10-15 मिनट का इस्तेमाल किया जाए सही जगह पे, तो इसी बहाने सोचा आप लोगों के साथ आज मैं अपना डेली रूटीन भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे टाइम मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करने के बाद फिर स्टडी भी करना रहता है। तो पानी ज़्यादा गर्म हो गया है, थोड़ा रख दे रहे हैं, हल्का ठंडा हो जाए जब तक मटर भी छील ले रहे हैं। मटर छील चुके हैं क्योंकि मैं आज बनाऊँगी आलू मटर तल के, मतलब कचालू बनाऊँगी। नींबू पानी पीने के बाद जल्दी से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद चलेंगे बाहर। खैर मैं पूरा वीडियो नहीं बनाऊँगी कि मैं कहाँ तक टहलने जाती हूँ, क्योंकि मैं अंकल की बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ और मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता है कि मैं उनके साथ चलूँ और वीडियो बनाते। तो मैं आपको वहाँ तक दिखाऊँगी अंकल का घर कहाँ पे है, किस तरफ से आ रहे हैं, वहाँ तक वीडियो बनाऊँगी। फिर जब वो आ जाएंगे तो मैं वीडियो को वहीं पे एंड कर दूँगी। और मैं गर्म पानी पी रही हूँ। डेली मैं गर्म पानी पीती हूँ 1 से 2 गिलास, आज ज़्यादा रख दिया था। और सही बताऊँ तो आज सुबह सुबह मुझे बहुत भूख भी लगी हुई है, इसलिए और भी कि जल्दी जल्दी काम कर लूँ और आऊँगी फिर जल्दी जल्दी काम। सच में चाहे एक के लोगों के लिए रहे चाहे कई लोगों के लिए, टाइम उतना ही लगता है यार खाना पीना बनाने वनाने में, बहुत टाइम चला जाता है। इसलिए सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी 5 मिनट 10 मिनट जो भी बच रहे हैं उसमें काम कर लूँ मैं, और जल्दी से अब बिस्तर भी समेट दूँ, क्योंकि सोते सोते देख रहे हैं कथरी मेरी एकदम नीचे लटक गई है। तो अब बिस्तर समेट दूँ जल्दी से बाल समेटने के बाद। और फ्रेंड्स आप लोग हंस रहे होंगे ना कि मैं कितना मोजे स्वेटर सब पहन के सोती हूँ, तो जी हाँ मैं डेली ऐसे ही स्वेटर पहन के मोजे उजे पहन के ही सोती हूँ, क्योंकि ठंड तो मुझे लगती ही बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी बहुत लगती है, तो इसलिए ठंडी का पूरा ध्यान रखती हूँ मैं। और ये बगल में बुक वुक भी रख लेती हूँ, क्योंकि रात में फिर बिस्तर से उठने का मन नहीं करता ना, तो मैं बिस्तर पर उठ के बैठ के पढ़ने लगती हूँ, नहीं दिन में मैं चटाई पे बैठ के पढ़ती हूँ। तो जब तक बिस्तर समेट लूँ। फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा, आप लोग सुबह सुबह कितने बजे उठ जाते हो? मेरा तो डेली का टाइम है, रियल टाइम नहीं बताऊँगी मैं कितने बजे उठती हूँ, बट इतना है कि ये डेली का मेरा 5 बजे का जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ वो सुबह 5 बजे का है। और 5 बजे उठने के बाद मैं यही सब डेली काम करती हूँ, क्योंकि डेली अंकल को 10 से 15 मिनट जब उनकी कॉल आती है तो 10 से 15 मिनट उनको लगते हैं। वो भी पानी वानी पीते हैं, फिर कपड़े वपड़े पहने फिर निकलते हैं, उनको टाइम लगता है। तब तक मैं अपना काम जल्दी यहाँ पे 10-15 मिनट में ये सब काम फिनिश कर लेती हूँ, ताकि आऊँ ना तो लाइट भी चली जाती है, आते आते मेरे ना लाइट चली जाती है। अब झाड़ू भी लगा लूँ, क्योंकि ये सब काम हुआ रहेगा ना तो फिर मेरे लिए आराम रहेगा। फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ मैं वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, और उसके साथ साथ मैं LIC एजेंट भी हूँ, तो काम भी कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरी अर्निंग हो जाए और मुझे फैमिली से पैसे ना लेने पड़े। फ्रेंड्स अगर एक रूम हो तो कोई बात नहीं, चलो ज़्यादा साफ़ सफाई करनी नहीं पड़ती है, एक्चुअली ये पूरा घर ही है तो उसमें पूरे घर ही में मैं रह रही हूँ, तो फिर सफाई भी करना ज़रूरी है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है। अदरवाइज़ अगर एक रूम में मैं बस सिर्फ इस रूम में रह रही होती, इसी में मेरा किचन होता, इसी में रहना सोना सब कुछ होता,
तब तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। अब इस पूरे घर में अगर मैं एक कमरे में रहूं या पूरे में रहूं तो फिर सफाई तो करनी ही करनी है, क्योंकि कमरे से बाहर भी निकलूंगी अंदर भी आऊंगी तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए लगता है कि पूरे में यार साफ़ सफाई कर दो, और मुझे जब तक ना सही बताऊँ सफाई हुई ना रही तो मन ही नहीं करता है। इसलिए ना पहला काम है सफाई कर लेना, ये सब काम हो जाता है ना तो फिर मुझे सुकून रहता नहीं। कितना भी मैं सोचूं आज झाड़ू नहीं लगाऊंगी, आज चलो सारा काम ऐसे करके पढ़ाई शुरू कर दूं ना, तो मेरा मन ही नहीं मानता है। जल्दी साफ ऑफ कर और के तब जाऊंगी, ताकि आऊंगी लाइट नहीं रहती फिर अंधेरे में वैसे भी कोई काम नहीं होता है, तो इससे अच्छा होगा कि अभी झाड़ू वाड़ू लगा लूँ। कचड़े भी वैसे लेते जाऊँगी फिर आऊँगी, तो वैसे भी ऑलरेडी आज लेट हो ही गया है। फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कूलर मेरा होगा ना, तो ये कूलर मेरा नहीं है, ये बगल में है आरती दीदी उनका है, और इस गर्मी में चला भी नहीं तो वैसे रखा ही है, तो यहीं पे रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी इतनी ढेर सारी जगह है तो ये ऐसे ही रखा है, तो उन्हीं का नहीं आप लोग सोचे कि ये मेरा है, क्योंकि इतनी इनकम मेरी है नहीं जो मैं कूलर भी यहाँ खरीद के रखूं। और फ्रेंड्स 3-4 दिन से तो धूप निकल ही नहीं रही है, अभी 2 दिन पहले बारिश ही हो गई थी और फिर बारिश होने के बाद भी मौसम नहीं निकला है। देखिए कैसे सारे कपड़े मेरे टंगे हुए सूखे ही नहीं हैं और धूप निकलती भी नहीं है, और जितने रखे कपड़े हैं सब पहनते जाओ धोते जाओ, सूखने का नाम ही नहीं ले रहा है धूप में, अरे सॉरी ठंडी में यही प्रॉब्लम होती है, कपड़े भी ज़्यादा निकल आते हैं और सूखते भी नहीं हैं और गंदे हो जाते हैं ना, तो वो तो बहुत ही ठंडे लगते हैं। फिर ये लगता है कि इतना ठंडा लग रहा है गर्म कपड़ा पहनने के बावजूद भी। हाँ अभी मैंने गेट खोला नहीं है, बस कचड़े उचड़े रख लूँ, उसके बाद फिर चलते हैं, गेट खोलेंगे चलेंगे, जूते पहन लें पहले। और आज सही बताऊँ इतना काम कर लिया, गर्मी आ गई है तो इसलिए अब ना, नहीं तो मैं इसके ऊपर से एक स्वेटर और पहन के जाती थी, शॉल भी लपेट के जाती थी। तो आज ना आज ऐसे ज़्यादा ठंडी नहीं मुझे लग रही है, तो आज बस एक ही स्वेटर पहन के जाऊँगी। ये देखिए कितना अंधेरा है ना फ्रेंड्स, आसपास एकदम सन्नाटा, ये साइड में जो है ना बाउंड्री इसी से फूल तोड़ती हूँ रोज, ये सोनकर अंकल का घर है, कितना अंधेरा है कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये गुड़हल का पेड़ है, इसमें भी आज फूल नहीं खिला हुआ है, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। फ्रेंड्स अकेले जाने को चली जाऊँ लेकिन सही बताऊँ ना डर लगता है, इसलिए ना अंकल को लेके जाती हूँ, कि अंकल साथ में रहेंगे तो ठीक रहता है। वे डेली टहलने जाते हैं, मैं जाऊं या ना जाऊं लेकिन उनका डेली का रूटीन है, वो जाते हैं तो इसलिए मैंने भी अपना डेली रूटीन बना लिया है उनके साथ जाने का। और अब मेरी तो आँख खुल ही जाती है हर हाल में 5 बजे। ये जो सामने दिख रहा है ना वो शुक्ला अंकल का घर है, ये देखिए वो निकल ली होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मेरा सुबह का मॉर्निंग का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बाय बाय।